हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के स्टूडियो में हम लोग जावा में कुछ और नया सीखेंगे। तो बेसिकली जावा में कई सारे क्लासेस होते हैं, जिनमें से एक क्लास होता है मैथ। ये जो कंप्लीट कोडिंग्स होती है वो बेसिकली क्लासेस और लाइब्रेरीज की यूज़ को मिला करके होती है। और बेसिकली हम लोग क्लासेस और लाइब्रेरीज ही सीखते हैं, तब उसे कहते हैं कि हमने जावा के अगर क्लासेस और लाइब्रेरीज को सीख लिया तो समझ लो कि आपने जावा का प्रोग्रामिंग सीख लिया। तो यही चीज़ होता है, क्योंकि इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर मैंने एक मैथ क्लास का यूज़ करके एक फंक्शन बनाया है, जिसमें कि ओटीपी जनरेशन से लेकर के ओटीपी वेरिफिकेशन तक का काम होता है। सिंपल सा फंक्शन है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं ओटीपी एक जनरेट हुआ है, जो कि मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। अगर हम कंट्रोल F11 प्रेस करें तो आप देख सकते हैं ओटीपी चेंज हो गया। अब अगर यहाँ पर हम ओटीपी इंटर करेंगे 6837, तो देख रहे हैं कि मैच करने पर ओटीपी वेरीफाइड हो गया। लेकिन इनकेस अगर मैच नहीं करता, फॉर एग्जांपल अब अगर हम गलत इंटर कर देते हैं, तब देख रहे हैं रॉन्ग ओटीपी। और साथ ही साथ मैंने एक और फंक्शन बनाया कि ओटीपी अगर 4 डिजिट से ज़्यादा का है तो ये बता देगा कि ओटीपी मस्ट बी ऑफ 4 डिजिट्स। तो ये सारी चीज़ें मैथ क्लास से हुआ है, और साथ ही साथ FL स्टेटमेंट से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग मैथ क्लास को कवर करेंगे, और उसके बाद फिर FL स्टेटमेंट्स को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फाइनली उसके बाद वाले वीडियो में दोनों को मैच करके ये ओटीपी वेरीफिकेशन का एप्लीकेशन या फिर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि जावा के बेसिक को क्लियर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैकेज पर राइट क्लिक करके एक नया क्लास क्रिएट कर लेंगे। हम लोग फिलहाल एक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं, और एक्लिप्स आप इंस्टॉल कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करके देख लें प्लेलिस्ट के वीडियोस, और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तब ज़्यादा आपको समझ आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। या फिर आप जावा का जब से शुरू हुआ सीरीज़ प्लेलिस्ट में ही जाएँ और जावा का फर्स्ट वीडियो देखें, वहाँ पर इंस्टॉलेशन मैंने किया है एक्लिप्स, वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्लिप्स को देख करके। तो यहाँ पर हम लोग क्लास का नाम देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसे नाम दे देते हैं मैथ क्लास, क्योंकि जस्ट मैथ नाम है इस क्लास का। मॉडिफायर्स पब्लिक ही रखेंगे। यहाँ पर एक मेथड को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। चलिए फिनिश करते हैं। हमारा जो है क्लास बन चुका है। अब इस क्लास को क्लोज कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मैथ क्लास हमारा जनरेटेड है। इस कमेंट लाइन को हटा देते हैं। अब मैथ के क्लास में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं इस बने बनाए मैथ क्लास में। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कुछ ये सारे फंक्शंस, जिसमें है मैथ डॉट मैक्स और दो नंबर्स, जो कि आपको मैक्सिमम वाला नंबर बताएगा। मैथ डॉट मिन ये मिनिमम वाला बताएगा। SQRT ये स्क्वायर रूट बताएगा कोई भी नंबर का। डॉट ABS ये एब्सोल्यूट नंबर बताएगा, यानी पॉजिटिव बताएगा। आपने अगर नेगेटिव दे रखा है तो जस्ट सेम नंबर पॉजिटिव में बताएगा। मैथ डॉट रैंडम ये जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी के ज़रिए हम लोग OTP जनरेशन करेंगे। तो बैकेंड में OTP जनरेशन में भी कुछ इसी तरह का रैंडम मेथड होता है, रैंडम क्लास यूज़ किया जाता है, जो कि OTP जनरेट करके आपको सेंड करता है। तो वो सारी चीज़ें मेन जब हम लोग लाइव एप्लीकेशन में आएंगे तब कैसे होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम लोग ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझेंगे, और बेसिकली इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए बारी बारी सारे मैथ के फंक्शंस सीखते हैं। फंक्शंस कई सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ मैंने सेलेक्ट किया है, और बाकी आप ज़रूरत के हिसाब से गूगल करके उन फंक्शंस को खोज सकते हैं, या फिर मैथ का कंप्लीट रेफरेंस भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहला फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं, मैथ डॉट मैक्स, और यहाँ पर इंटीजर वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ए और बी। तो यहाँ पर हम लोग ए में देते हैं 15, और फिर हम लोग बी में देते हैं 25। तो यहाँ पर हमने मैथ डॉट मैक्स ए में 15 दिया, बी में 25 दिया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसे प्रिंट करवाना है। तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा जो मैक्सिमम होगा, मीन्स ये 25 को प्रिंट कर देगा।
तो अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा अगर हम प्ले करेंगे तो, आई मीन रन करेंगे तो, कंट्रोल F11 से रन हो जाता है, या फिर आप यहाँ पर आकर के भी ग्रीन वाले पर आकर के भी रन कर सकते हैं, जो कि बटन हिडन है, जो कि बटन शायद स्क्रीन में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सिलेक्शन गलत किया है, लेकिन कंट्रोल F11 से आप रन कर सकते हैं। अब इसे प्रिंट करवाना है हमें, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, int a इज इक्वल टू इसकी वैल्यू। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से वेरिएबल को असाइन करते हैं उसके टाइप के साथ, उसके वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर इंटीजर में हमने, इंटीजर a में हमने असाइन किया इसे। अब सिंपली हम लोग प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और उसके बाद फिर हम लोग क्या प्रिंट करना है, एक के वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। अब कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 25 दे दिया। एक काम करते हैं, हम लोग कंसोल को नीचे लाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया। अब अगर हम A के जगह पर 150 कर दें, अब कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो 150 दे रहा है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इसी तरह से हम अगर math.max के जगह पर मीन अगर हम कर दें तब ये 25 देगा। रन कर लें, देख रहे हैं 25 दे रहा है। तो इस तरह से ये मैथ का मैक्स और मिन फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं अपने कोई भी एप्लीकेशन में, अगर आगे ज़रूरत होती है तो हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट कौन कौन से फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में हमें एक ही वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग math.sqrt लिखेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 64 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए, यहाँ पर क्या लिख रहा है, टू क्विक फिक्सेस अवेलेबल एड कास्ट टू इंट। ओके, स्क्वायर रूट हमें निकालने के लिए इसे सबसे पहले कास्ट करना होगा इंटीजर में, तो इससे पहले आप int लगा दें। कास्टिंग भी हम लोग देखेंगे आगे चलकर, लेकिन जब सिंपली एक ही चीज़ सीख लें, जब आपको कास्टिंग की ज़रूरत होगी तो आपको कंसोल बता देगा कि कास्ट करना है, तो आप सिंपली इस तरह से कास्ट कर सकते हैं। इंट है तो इंटीजर, इंटीजर है तो int से कास्ट करेंगे, लॉन्ग है तो यहाँ पर लॉन्ग से करेंगे। तो सिंपल ये सारी चीज़ें आपको आपका ये आपका आईडी बता देगा जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कास्ट किया इसे। अब हम लोग अगर प्रिंट करें Ctrl F11 तो यहाँ पर 8 दे रहा है, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 है। इसी तरह से हम लोग अगर 16 दें तो यहाँ पर 4 देगा, देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 दे दिया। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट है ABS। अब ये जो चीज़ है math.abs, यहाँ पर अगर हम -16 देंगे तब ये 16 दे देगा, आप देख रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं। अगर आपको किसी भी नेगेटिव वैल्यू को, कोई लॉजिक अगर आप बना रहे हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत है कि उसे पॉजिटिव कर देना है, तब यहाँ पर math.abs हम लोग यूज़ करेंगे। अब सबसे मेन और सबसे मोस्ट यूज्ड मैथ का, जो सबसे मोस्ट यूज्ड मेथड है math.random, इसे हम कब यूज़ करेंगे और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो यूज़ कब करेंगे वो तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि कब कब आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी रैंडम नंबर जनरेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सिंपली math.random यूज़ कर लें तब क्या होगा, math.random, तो यहाँ पर अभी 0 दिया है, अभी फिर से 0 दिया है, अभी फिर से 0 दिया है, इसकी वजह क्या है। ओके, ये हमेशा 0 दे रहा है क्योंकि हमने उसे इंटीजर में किया था और इंटीजर में आपको पॉइंट वाले नंबर्स नहीं आते हैं, उसमें होल नंबर्स ही आते हैं। इसीलिए सिंपली आप अगर math.random को प्रिंट करवाएंगे तो वो 0 से लेकर के 1 तक के बीच जितना भी नंबर आता है यानी पॉइंट वाले, वो सारे के सारे को प्रिंट कर देगा। आप देख रहे हैं मैं Ctrl F11 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसलिए हमें अगर रैंडमली सिर्फ अगर ये डायरेक्टली इससे ही अगर प्रिंट करवाना है तो इसे इंटीजर में करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम वो चीज़ करेंगे तो हमें 0 ही देगा बेसिकली, क्योंकि 0 से 1 के बीच अगर है तो सिंपली 0 ही एक इंटीजर है उसमें। अब अगर हम देखें 100 तक के नंबर को प्रिंट करवाना है तब हम कैसे इसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं कंप्लीट मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर हमें रैंडम नंबर चाहिए 0 से 101 के बीच, तो int लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ भी दे दें वेरिएबल का नाम, रैंडम नम, चलिए रैंडम नंबर हमने दिया, इज इक्वल टू, सबसे पहले कास्ट कर लेंगे int से, और क्या हमें करना है,
मैथ डॉट रैंडम, ओके यहाँ पर हमने इतना लिखा, रुक जाइए, यहाँ पर हमने इतना लिखा मैथ डॉट रैंडम। अब सिंपली यहाँ पर हमें एक मल्टीप्लीकेशन साइन देना है और 101 से गुना कर देना है इसे। अब सिंपली हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एक सेकेंड, वन ब्रैकेट, टू ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज था, सिंपली हमें सेमी कॉलन लगा के बंद कर देना है इसे। तो अब क्या होगा, तो इस केस में अगर हम कमेंट करके, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ क्या होगा, ये जो है 0 से 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। 101 हमने क्यों दिया, क्योंकि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, 0 से लेकर के 100। अब अगर हम लोग सिंपली इस रैंडम नंबर को प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसमें हमें अगर रैंडम नंबर को प्रिंट करवाना है, सिंपली कॉपी कर लेते हैं रैंडम नंबर, तब आप देख रहे हैं 26, फिर से करेंगे कंट्रोल F11 से 51, फिर से रन किया 48, इसी तरह से 0 से 100 के बीच के नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरह से आप रैंडमली एक फिक्स्ड वैल्यू तक प्रिंट करवा सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं नंबर्स को, और अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो मैथ क्लास में यही था, जितने भी मैथ के फंक्शंस होते हैं, आई मीन मैथमेटिक्स में जो भी सिलेबस में रहता है, तो वो सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट होते हैं मैथ क्लास से, लेकिन हम लोग जो मेनली यूज़ करते हैं वो यही सब थे। और रैंडम नंबर का यूज़ किस तरह से हम लोग फिक्स्ड नंबर का OTP निकालने में करेंगे वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि नेक्स्ट वीडियो में पहले इफ एल्स सीखेंगे, उसके बाद वो चीज़ सीखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो 0 से 100 तक का हम लोग नंबर प्रिंट करवा रहे हैं फिलहाल, तो उसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, ये डिजिट, इसमें डिजिट्स नहीं फिक्स्ड हैं, इसमें सिर्फ नंबर फिक्स है कि 101 तक का जाना है। तो OTP में ऐसा नहीं होता, OTP में आपको डिजिट फिक्स करना होगा, मीन्स 4 डिजिट का अगर चाहिए तो हर बार 4 डिजिट का ही जनरेट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या लॉजिक होती है हम लोग आगे के वीडियोस में सीखेंगे। और मैंने एक चीज़ कैलकुलेट किया है कि ऑलमोस्ट कितने वीडियोस आएंगे जावा के ऊपर, तो ऑलमोस्ट 20 वीडियोस में हम लोग जावा कंप्लीट क्लियर करेंगे, और शायद 4-5 वीडियोस जावा के हो गए होंगे, और इसके बाद 20 वीडियोस मींस मैक्सिमम अगर देखें तो 25 वीडियोस होंगे, और जावा आपका कंप्लीट क्लियर होगा, और आप बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहेंगे जावा को लेकर के कि हाँ आपने जावा को सीख लिया है, और फिर आप डेफिनेटली ऐप डेवलपमेंट में मूव कर सकेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, लोगों की हेल्प करने के लिए इसे शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़, आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, और ज़रूर देखें उसे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।